नमस्कार, आप देख रहे समाचार इंडिया, मैं हूं आपके साथ नीरज गुसाई। घर पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर, भारत माता के जयकारों से गूंजा गांव। आपको बता दें कि चार दिन पहले लद्दाख सीमा पर शहीद हुए सैनिक देव बहादुर का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंच गया। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। आज शहीद जवान को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी जाएगी। शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। किच्छा गौरीकला गांव भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। शहीद देव बहादुर 18 जुलाई को लद्दाख सीमा पर घायल हुए थे। 19 जुलाई को शहीद ने अंतिम सांस ली। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। भारत माता के जयकारों से पूरा गौरीकला क्षेत्र गूंज उठे। इस दौरान लोगों की आंखें भी नम हो गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर आए हाईकोर्ट के फैसले का वह स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान भी करते हैं। साथ ही कहा कि कोर्ट ने सरकार की मंशा पर अपने फैसले से मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए बोर्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय को किसी को भी राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। साथ ही कहा कि इस बोर्ड का विरोध राजनीतिक कारणों से भी नहीं होना चाहिए। चार धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज उसको ओपन किया गया है। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं। उनके निर्णय का सरकार की जो इच्छा थी, चारधाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी, उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई थी। और हमने शुरू से ये कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड हम आने वाली भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, व्यवस्थाओं से संबंधित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों, देवस्थानों के संरक्षण की दृष्टि से हो, उनके डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से हो, इसलिए ये बोर्ड बनाया जा रहा है। और यात्रा कैसे हमारी सुरक्षित हो सकती है, इन सब बातों का ख्याल रखा गया। हमने शुरू से एक बात कही कि जितने भी हमारे पुरोहित समाज हैं, जो पंडा समाज है, उनके हक हकों की हम सुरक्षा करेंगे। उससे कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके हितों को और कैसे सुरक्षित किया जा सकता है उसका हम लोग निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, बल्कि वायरस का प्रसार अब कई गुना बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता को इस बात से ही समझा जा सकता है कि पिछले 12 दिनों में कोरोना के 1500 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। मंगलवार को भी प्रदेश में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक प्रदेश में कोरोना के 4849 मामले आ चुके हैं। इनमें से 3297 लोग ठीक हो चुके हैं और 1458 मरीज विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में भर्ती है। कोरोना संक्रमित 56 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस बीमारी महामारी को हम कैसे रोकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे समाचार इंडिया के साथ। खबर से लेकर असर तक।